नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आप लोगों के साथ में बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए तवे पे आलू हम कैसे लिए रख रहे हैं, आप लोग एंड तक बने रहिए और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इस तरह से आलू को हम क्या करें, कभी कभी यही होता है कि सब्जी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो आप इस तरह से जैसे आग पे भूनते थे गाँव में, उसी तरह आप तवे पे इस तरह से बीच से कट करके और आलू सारे रख देंगे। रखने से क्या होगा, ये 10-15 मिनट लगता है। 10 मिनट में आलू हमारा घड़ी की देखे 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाए। इस तरह से ढक के हम इसको रख देंगे। अब ये 5 मिनट बाद हम पलट देते हैं। पलटने के बाद में देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, इतना अच्छा सोंधा इसका टेस्ट आता है, जैसे कि हम आग पे भून के रखे हैं। और तो इस तरह से आप पलट करके फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। कुछ ऐसे किचन में काम हो जाते हैं जिनको करना हम लोगों के साथ में, हम औरतों के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा ही होता है, क्योंकि किचन में कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरह से हम ढक देंगे। और ये प्लेट बहुत गर्म थी तो ये मैं छू लिए, इसके वजह से हमारी उंगलियाँ जो है दोनों जल गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी के साथ में ये हो जाता है। तो गुठा आटा रखा रहता है, वही गुथे आटे को हम इस तरह से उंगलियों पे लगा लेंगे। अगर ज़्यादा जल जाए तो ज़्यादा से उंगलियों में लगा लें, तो इस तरह से जलन नहीं होगी और उंगलियों में छाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर सभी के साथ ऐसा हो सकता है, कोई एक नहीं है। इधर आलू भी हमारे ये देखिए पक गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया है ना यूजफुल टिप्स, कि हमको ना आग जलानी पड़ेगी और ना तो हमें कोई दिक्कत होगी। तो जैसे हमारी उंगलियाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें जलन हो रही थी, तो मैं सोची आटा लगा लेती हूँ, तो इसमें हम पूरी उंगलियों पे आटा लगा लेते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिए अगर टिप्स अच्छी लगी हो। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, आलू आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आलू हमारे हो गए हैं। इनको हम तवे से हटा लेंगे और तवा हमारा बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि हमने इस पर आलू भुना है। आप इस पर रोटियाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल जैसे था वैसे ही है, कोई इसमें जलन लग जाती है कालिक वो नहीं है। तो आलूओं को हम इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद में आप देखते हैं, कभी भी बनाएं तो भरता बना करके खा सकते हैं, क्योंकि भुने आलू से जो भरता बनता है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो अगर हमारी छोटी छोटी ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि अचानक से बिल्कुल यूट्यूब वालों ने भी साथ छोड़ दिया है और घर में भी लोग बहुत क्या कुछ कह नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिए। इस तरह से हम आलू सारे छील लिए हैं। इसके बाद में कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि हम पकौड़ी बनाते हैं, अगर हम बेसन से बनाते हैं तो पकौड़ियाँ हमारी कुरकुरी नहीं होती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसन को सबसे पहले छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर छानते नहीं हैं तो इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं, तो हमारी पकौड़ी हो या किसी चीज़ का बैटर बनाएँ तो वो सही से नहीं बनता है। इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद में हम इसमें एक मिलाएंगे स्पेशल चीज़ जो कि पकौड़ियों को कुरकुरा बनाएगा और वो खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगी। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसन और ले लिए हैं और उसके बाद में ये हम आधी कटोरी से कम है, मतलब 4 चम्मच मान के चलिए, छोटे जो स्पून होते हैं उस चम्मच से 4 चम्मच हम चावल का आटा डाल दिए हैं। इससे हमारी पकौड़ी जितनी जो बहुत कुरकुरी बनती हैं और खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी इसमें, सिर्फ हल्दी डाल दूंगी 2 चम्मच और धनिया पिसी हुई डाल दूंगी और हमारा बना हुआ स्पेशल नमक रहता है, उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी पड़ा है इस चैनल पे, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इस तरह से हम इसमें ये नमक डाल देंगे, इसमें सारे मसाले पड़े रहते हैं, इससे अगर पकौड़ी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और कटी हुई हरी धनिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी टिप्स पसंद आती होंगी। और अचानक से क्या कमी हो गई है हमें, या तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि हमारी वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, एकदम से रोक दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, तो मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ में अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। और आप लोग अपना प्यार ज़रूर देते रहिए। तो इस तरह से मिक्स करके हम पकौड़ी बना लेंगे और ऐसे आप भी बना सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब